वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक हॉट और सेवन। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी मेल को हम लोग आउटलुक पर कैसे खोलते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारा मेल दो कारणों से फुल हो जाता है, चाहे जनरली जैसे जीमेल है हम लोगों के मोबाइल में हो या सिस्टम पे हो, हम लोग जीमेल का यूज करते हैं और वो फुल होता है दो कारणों से। एक तो होता है फोटो का बैकअप लिया जाता है, दूसरा होता है कि जीमेल में यदि मेल बहुत ज्यादा आ गया, मेल यदि ऑफिस का मेल यूज करते हैं या पर्सनल मेल भी यदि ज्यादा आ रहा है तो उस वजह से मेल फुल हो जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम ऐसा चीज बताने वाले हैं इसमें कि आपको मेल कभी फुल नहीं होगा, दोनों चीज का हम बताएंगे, मेल का सोल्यूशन कैसे होगा और यदि फोटो से फुल हो गया है, फोटो का बैकअप यदि फोटो ज्यादा आप खींचना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेल फुल हो जाता है। हम दोनों तरीका बताएंगे कि ऑनलाइन स्टोरेज नहीं परचेज करना होगा, आप लोग इसको अनलिमिटेड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे एक ये दिखा रहा है 87% फुल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलते हम सीधे आउटलुक पर, दिखाते हैं कैसे इसमें हम लोग मेल का बैकअप ले सकते हैं। अब इसमें तो मेल कम है, यदि मेल ज्यादा हो स्टोरेज फुल हो गया है तो हम कैसे इसका बैकअप लेंगे। पहले जाएंगे फाइल पे, यह है अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग पे चलते हैं। यह हमारा 8.7 का लॉगिन है, इसमें डाटा फाइल में जाना है, ऐड करना है। ये अभी बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में सेव हो रहा है जो कैचे फाइल है, हम इसको बना लेंगे स्टोरेज, ऐड करेंगे और हम अपने सिस्टम हार्ड डिस्क में इसको सेव करेंगे। क्या होता है ऑनलाइन स्टोरेज को हम लोग क्या करेंगे, मूव कर देंगे हार्ड डिस्क पर। हार्ड डिस्क तो मेरा स्टोरेज बहुत ज्यादा है, जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, तो मेल कभी फुल नहीं होगा, यही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। हम इसको करते हैं डी ड्राइव में बना लेते हैं, एक डी ड्राइव या किसी और, मेरे पास और भी ड्राइव है, इस पे बना लेते हैं मेल बैकअप। ठीक है, इसको ओपन कर लिए, मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ जीमेल _ टेक राठौर 7 और हम ओके कर दिए। अब क्या हुआ, एक मेरा ये यहाँ भी आ गया, आउटलुक में भी आ गया। हम इसको क्लोज करते हैं, अब ये क्या हुआ आउटलुक में जब इसे शो करने लगा कि कहाँ पे मेल बैकअप होगा। हम यहाँ पे इसमें क्या करना होगा, जैसे हमारा मेल में क्या होता है इनबॉक्स में दिखता है, जितना भी मेल आता है या सेंड करते हैं तो उसमें दिखता है ना, सेंड मेल में। तो हम अभी इसमें नया मेल है इसलिए मैं इसमें कोई मेल सेंड नहीं किया है। उसी तरह आप इसमें नया फोल्डर आपको ऐड करना होगा, न्यू फोल्डर ऐड करिए, इसमें बना लीजिए एक इनबॉक्स के नाम से, ताकि इनबॉक्स का मेल इनबॉक्स में मूव कर सकें, और एक बना लीजिए सेंड का, सेंड का मेल हम सेंड या फिर सेंड वन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया सेंड वन, और इसका रीनेम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं इनबॉक्स वन। अब इसको हमको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए इसमें मेल अभी कम है, बहुत ज्यादा मेल है, ये मेल फुल है। अब मान लीजिए हम इसको हम मूव करना चाहते हैं, अभी हमारे इनबॉक्स में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, हम इसको मूव करके दिखाते हैं, और इस पे गए, इस पे राइट क्लिक किए, या फिर यहाँ भी ऑप्शन है, ये रहा मूव। मूव जब करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा इनबॉक्स वन जीमेल टेक्राटो 7 सेंट। तो हमारा इनबॉक्स का है तो इनबॉक्स में मूव करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जिसको सिलेक्ट किए रहेंगे ये मूव हो गया, यहाँ से मूव हो गया। अब हमको देखना होगा तो यहाँ पे दिखेगा, ये रहा। ठीक है, ये तो हो गया कि मेल को हम लोग मूव करते हुए अपने हार्ड डिस्क में इसको सेव कर लेंगे, तो वहां से स्टोरेज मेरा खाली हो जाएगा। अब दूसरा चलते हैं कि जैसे एक मेल हम उदाहरण तौर पर लेते हैं, एक मेल यहाँ खुला हुआ है, इसका हम सीधा देखते हैं स्टोरेज क्या है, सीधे चलाते हैं ड्राइव में, स्टोरेज थोड़ा दिख जाएगा कितना है, ये रहा 15 GB में 13.13 GB फुल हो चुका है। इसमें हो सकता है कि फोटो का भी बहुत ज्यादा हो, फोटो ज्यादा हो या मेल भी हो, तो मेल को तो मूव करना सीख गए, तो हम फोटो देखेंगे फोटो कैसे मूव करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा गूगल फोटो में, इसमें भी आएगा गूगल फोटो, ओके ना, यहाँ पर डे का ये जितना भी फोटो है। अब हम इसको मूव करना चाहते हैं तो इस पे, और जैसे ना डे वाइज इस पे क्लिक करिए, जितना भी एक डे में फोटो खींचे हुए हैं आप, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, डे वाइज आपको ये क्लिक करना होगा। अब एक दिन में जितना भी फोटो खींचे हुए हैं सबके ये टिक लग गया, और उसको एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया डाउनलोड, डाउनलोड करेंगे ये जीप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना
जीमेल का स्टोरेज जो फुल हो गया है उसको खाली कर सकते हैं, हमको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए टेक राठौर 7 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें एक्सेल का क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।